ट्रेन ठंडी लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं सूरत के बिल्कुल ही पास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जिसका नाम है गलतेश्वर महादेव। तो आज उसकी विजिट पर आया हूँ और यहाँ पर जो व्यू है वो काफ़ी देखने लायक है। और ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो आप सबको भी मैं इस मंदिर का पूरा व्यू दिखाऊँगा, आपको वर्चुअल टूर भी करवाऊँगा। और दोस्तों, अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला भी बनी हुई है। और इसके अलावा मंदिर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ग्रीनरी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। ये जो टेंपल है ये तापी नदी के बिल्कुल ही किनारे पर बना है। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है और वहाँ पर एक नहाने के लिए कुंड भी बनाया हुआ है। तो चलिए वहाँ पर जाकर देखते हैं। अब यहाँ पर नहाने के लिए जो भी कुंड का निर्माण किया गया है और यहाँ पर लोगों के स्विम करने के लिए यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर नहाने के लिए फैसिलिटी बनाई गई है, कुंड वगैरह बनाए हैं। तो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं उसको भी। और वहाँ पर एंटर करने के लिए जो एंट्री फ़ी है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पर एंट्री करने के लिए डिजिटल एंट्री गेट लगाया गया है। यहाँ पर एक पास दिया जाता है जो देने के बाद ही यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। पर फिशिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे एंट्री की फ़ीस तो 50 रुपये है, लेकिन ये नहीं है कि 50 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे या फिर ये होगा। लेकिन यहाँ पर लॉकर रूम और चेंजिंग रूम की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो और उसके अलावा जो भी फ़ीस होती है वो सारा पैसा यहाँ पर जो कुंड वगैरह बना है उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर है जो कि हर एक जगह पर ऐसे घाट पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर पूरा स्विमिंग पूल टाइप अरेंजमेंट किया गया है और 4 लेवल में पूरा ये कुंड का निर्माण किया गया है। तो इसकी हाइट है वो काफ़ी डिफरेंट है हर जगह पर। वैसे यहाँ पर ये जो पानी है ये इतना गहरा नहीं है। ये जो कुंड है ये सबसे गहरा है और जिसकी हाइट है अप्रोक्सीमेट 2.5 फीट के आसपास यहाँ पर पानी का लेवल है। तो यहाँ पर छोटे बच्चे भी अगर होते हैं तो वो यहाँ पर कोई डूबने का कोई खतरा नहीं होता है। इस कुंड का निर्माण इस तरह से किया गया है कि एक छोटी सी नदी जब बड़ी नदी तापी नदी को मिलती है उस टाइम पर उसका जो मुख होता है वहाँ पर ये कुंड बनाए गए हैं, ताकि जो भी नदी का पानी आए वो ये कुंड से होकर फिर तापी नदी में मिल जाए। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग नहाने के लिए आते रहते हैं। वैसे दोस्तों, ये नदी का पानी इतना साफ है कि यहाँ पर एक छोटा सा फॉल पड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो लोग नहाते हैं उनको आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि फिल्मों में काफ़ी सारे सीन्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ही इस तरह का यहाँ पर एक आपको छोटा सा फॉल देखने को मिलेगा। वैसे बारिश की सीज़न ख़त्म होने के बाद यहाँ पर जो पानी आ जाता है तो उसकी वजह से ये जगह कोई जन्नत से कम नहीं लगती है। और वैसे भी आप यहाँ पर नहाने के लिए आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके 3-4 या फिर 4-5 घंटे यहाँ पर नहाते नहाते चले गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो पानी का फ्लो निकलता है वो फ्लो जब बाहर जाता है तब वहाँ पर ऐसी स्लाइडिंग की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं वो इस तरह से यहाँ पर नदी में नहाने का और स्लाइड करने का मज़ा लेने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं सूरत आया तो सूरत के पास के जो ब्यूटीफुल लोकेशंस है जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नीलकंठ धाम पोईचा
उसके साथ साथ ये गलतेश्वर महादेव, तो इसी जगह पर मैंने विजिट करी और वहाँ की वीडियोस बनाई है। और इसके बाद मैं आपको सौराष्ट्र की जो भी ब्यूटीफुल जगह है, जिसमें कि तुलसी श्याम है, उसके अलावा गिर फॉरेस्ट है, सारंगपुर धाम है, खोड़िया डैम है, ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह पर मैं जाने वाला हूँ और वहाँ के भी वीडियोस बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर बैठने के लिए ऐसी हट्स बनाई गई है ताकि बारिश वगैरह कुछ हो तो लोग यहाँ पर आराम से बैठ सके। और लोग अपने घर से यहाँ पर खाना लेकर आते हैं और इसके अलावा अपने साथ नाश्ता वगैरह भी लेकर आते हैं, तो यहाँ पर बैठकर वो कुछ नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है रिवर तापी, जो कि साउथ गुजरात की वन ऑफ दी बिगेस्ट रिवर में से एक है। यहाँ पर ऐसी ग्रिल लगाई गई है लोगों की सेफ्टी के लिए, और वहाँ पर कुछ मछुआरे हैं जो कि अपनी बोट से फिशिंग कर रहे हैं। तो ये तो व्यू था यहाँ पर बाहर का। यहाँ पर नीचे जाने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई है, लेकिन जो लोग सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सकते तो उन लोगों के लिए यहाँ पर लिफ्ट बनाई गई है। जो लोग हैंडीकैप है या फिर चल नहीं पाते हैं तो उन लोगों को नीचे जाने के लिए लिफ्ट का भी इंतज़ाम किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ रिवर तापी। वहाँ पर आप सामने देख पाओगे कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुछ रेत निकालने का काम कर रहे हैं। तो रेत होती है उसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, तो ये रेत है उसको रिवर में से सेपरेट करने के बाद वहाँ फिर उसको कंस्ट्रक्शन के यूज़ के लिए लेकर जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।